हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ मिलेट्स यानी एम्बली की रेसिपी। तो आज मैं आप सभी को बताऊँगी कि मिलेट्स क्या होते हैं और ये किस तरीके से बनाए जाते हैं और इन्हें खाने का भी सही तरीका बताऊँगी। तो देखिए, मिलेट्स 5 तरीके के होते हैं, जिसके ब्राउन टॉप मिलेट, बार्नयार्ड मिलेट, कोदो, लिटिल मिलेट और ये है फोक्सटेल मिलेट। ये मैंने अलग पैकेट से निकाल लिया है डिब्बे में, मैंने डिब्बे पे भी इसका नाम लिख लिया है, अभी मैं वो आपको दिखा दूँगी। तो ये 5 तरीके के मिलेट्स होते हैं। ये किस तरीके से मतलब कौन से दिन कौन सा मिलेट्स बनाना चाहिए, कितने दिन कौन सा, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। सबसे पहले मैं आपको बनाने का तरीका बता देती हूँ। देखिए, ये मैंने फोक्सटेल मिलेट लिया है, ये सबसे पहले दिन फोक्सटेल मिलेट बनाना है और ये 3 दिन फोक्सटेल मिलेट ही बनाना है। तो तीन तीन दिन 2 मिलेट बनाने हैं और जो बाकी के 3 मिलेट्स हैं वो एक एक दिन बनाने हैं। तो ये सबसे पहले मैंने फोक्सटेल मिलेट ले लिया है। अब इसको मैं इसमें डालकर सबसे पहले अच्छे से वॉश कर लूँगी पानी से। देखिए, इसे अच्छे से वॉश कर लीजिए सबसे पहले। और इसे वॉश करने के बाद, जैसे कि मैंने जिस कटोरी से पानी मिलेट्स लिए हैं उसी कटोरी से 10 गुना पानी डालकर रात भर के लिए भिगो कर रख देना है इसको। सबसे पहले इसे अच्छे से इस तरीके से देखिए वॉश कर लीजिए। बिल्कुल भी इसमें गंदगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस पानी में हम इसको रात भर भिगो कर रखेंगे उसी पानी में हम इसको पका लेंगे। तो इसीलिए ये देखिए पानी बिल्कुल साफ़ हो गया है, यानी कि हमारे मिलेट्स अच्छे से साफ़ हो गए हैं। अब इस पानी को भी हम निकाल देंगे और इसके बाद हम इसमें साफ़ पानी 10 गुना, यानी कि जिस भी बर्तन से आप मिलेट्स ले रहे हैं उसी बर्तन से 10 गुना पानी डाल दीजिए। अब देखिए, मैंने इस कटोरी से लिया है तो मैं इसी कटोरी को 10 कटोरी भरकर पानी डाल दूंगी और रात भर के लिए भिगो कर रख दूंगी। अब इसे हम ढककर रख देंगे पूरी रात के लिए। अब ये देखिए, पकाने के लिए मैंने एक मिट्टी की हांडी ले ली है। तो अब इस मिट्टी की हांडी को मैंने अच्छे से धोकर साफ़ कर लिया है और देखिए पूरी रात हो गई हमारे मिलेट्स को, ये भी फूल गए हैं। अब इनको हम इसी पानी सहित मिट्टी की हांडी में डाल देंगे और गैस पर पकने के लिए रख देंगे। तो स्टार्टिंग में आपको हाई फ्लेम पर इसको पकाना है, क्योंकि मिट्टी का बर्तन बहुत मोटा होता है तो काफ़ी टाइम में गर्म होता है, इसलिए फुल गैस रखनी है स्टार्टिंग में। और जब हमारे मिलेट्स में एक उबाल आ जाएगा उसके बाद हमें गैस बिल्कुल मंदी कर देनी है और कम से कम आधा घंटा इसे पकने के लिए चाहिए। तो बिल्कुल छोटे वाली गैस पर बिल्कुल सिम करके रख देना है, ढक्कन से अच्छे से बंद करके, जिससे कि अच्छे से धीरे धीरे पक जाए। अभी देखिए, जब इसमें उबाल आएगा तो इस पर झाग आ जाएंगे, तो वो झाग आपको निकाल देने हैं और इसे ढक्कन बंद करके बिल्कुल धीमी धीमी आंच पर पकने के लिए रख देना है। देखिए, मिट्टी के बर्तन में मिलेट्स इसलिए बनाते हैं क्योंकि मिट्टी के बर्तन में बनाने से इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाती है। मिलेट्स क्यों खाए जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में कुछ चीज़ों की डेफिशिएंसी हो जाती है, जैसे कि विटामिन डी, B12। तो मिलेट्स हमारी बॉडी में सारी डेफिशिएंसी को दूर करते हैं, इसीलिए मिलेट्स खाए जाते हैं। जिन लोगों को मिलेट्स की वैल्यू पता है उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल है, और जिन लोगों को नहीं पता तो शायद उनके लिए इतनी यूजफुल नहीं है। अब ये देखिए, ये मैंने झाग उतार दिए हैं। अब ये देखिए, ये हमारे मिलेट्स पकने लगे हैं। तो जब ये पकने लगेंगे तब हल्के हल्के नीचे थली में लगने शुरू हो जाते हैं, तो आप बीच बीच में इसे चलाते रहिए और इसे चेक करते रहिए। देखिए, लगभग हमारे मिलेट्स तैयार होने ही वाले हैं। जब ये तैयार हो जाएंगे उसके बाद हम इस पर एक सूती कपड़ा बांधकर इसे फॉर्मेलिटी ढोने के लिए रख देंगे। अगर सर्दियां हैं तो इसे फॉर्मेलिटी ढोने में 10 से 12 घंटे लगते हैं, और अगर गर्मी है तो ये 6-7 घंटे में ही तैयार हो जाता है। तो देखिए, मैंने कॉटन का कपड़ा रख दिया है, ढक दिया है इस पर, और इसे रख दिया है 6-7 घंटे के लिए रेस्ट के लिए। उसके बाद ये खाए जाते हैं। जिस तरीके से दही जमती है उसी तरीके से ये फॉर्मेलिटी ढोने के बाद ही खाए जाते हैं।
और इसमें आपको नमक हल्दी कुछ भी नहीं डालना है। ये सब्जियों के साथ सर्व किए जाते हैं। देखिए मैंने इसके साथ खाने के लिए मिक्स वेज तैयार कर ली है और दूसरी सब्जी तैयार की है मैंने इसके साथ खाने के लिए, लौकी और चने की दाल। ये देखिए लौकी चने की दाल भी मेरी तैयार है। तो मेरी आज की डिनर की थाली तैयार है। ये मेरे मिलेट्स फर्मेल्टेड हो चुके हैं। ये देखिए कितने अच्छे बने हैं हमारे मिलेट्स। अब ये मेरे डिनर की थाली तैयार है। तो थैंक यू सो मच गाइज, कल फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी नई वीडियो के साथ।